नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। DYSP ने अपना फर्ज निभाया। वो शख्स अब्दुल सत्तार हमारे बीच बात करने आ रहे हैं। हम जानते हैं कि वो ईमानदारी और वफादारी के लिए कई मेडल ले चुके हैं। मिस्टर अब्दुल सत्तार सर, अपने 32 साल के करियर में कभी इनका ट्रांसफर नहीं किया गया और उनको कभी किसी तरह की पुलिस विभाग से पनिशमेंट नहीं मिली है। इस बात के लिए हमें काफी गर्व है। अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। अपने बूट और सलाखों को छोड़कर आज मैं एक नया कदम रखने जा रहा हूँ। हर इंसान ने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती ज़रूर की होगी। ऐसे मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा हादसे होते रहते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं, और कई बार इन हादसों से हम अपने जीवन में गुजरे भी हैं, और ऐसे समय पर हमें हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। मैंने शपथ ग्रहण के समय जो जो बातें कही थी, वही बातें मैं आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूँ। आम इंसान के लिए पुलिस वाला होने के नाते मैंने जब ये खाकी वर्दी पहनी थी, तब मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं पुलिस वाला बनना चाहता था और बन भी गया। इसलिए मैं आज और हमेशा अपने आप पर गर्व करता रहूंगा, और मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि हमेशा अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। लेकिन ड्राइवर साहब, सर, तुम जानते हो ये बात बिल्कुल सच है, एक बार वर्दी चली गई तो दोबारा नहीं मिलती। जो पुलिस वाला रिटायर हो गया उसको कौन मार सकता है। कल तक जिस ऑफिसर के सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर जो लोग सर सर बोलते थे, कल जब लोग मुझे देखेंगे तो सर के साथ कुछ और जोड़कर कुछ और बुलाना शुरू कर देंगे। ये तो हर पुलिस वाले के साथ होता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं सर्विस में था तो तब मुझे बहुत गुस्सा आता था, तुम जानते हो ना। क्या बात है सर। जिंदगी में ऐसी कई जिंदगियां हैं जो बेचारे बेवजह मेरे हाथों से मारे गए। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी सर? कुछ हुआ क्या? इस रोड पे पेड़ गिरा हुआ है। आप बैठिए, मैं देख के आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। मदद के लिए भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मुसीबत है ये। दिल के अरमासों में बह गए। दिल के अरमासों में बह गए। हम जहाँ थे वहीं पे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमासों में बह गए। दिल के अरमासों, शायद उनका आखिरी पैगाम होगा, शायद उनका। सर, सर, ओ तो वहाँ है। सर मैंने पेड़ हटा दिया है, आप चलिए सर। सर अभी तक पेशाब कर रहे हैं। सर चलिए सर। सर हाँ सर। टाइगर सेट कॉलिंग, टाइगर सेट कॉलिंग, टाइगर।
सर बोलिए सर। हाँ अरविंद सर आ रहे हैं, सो बी अलर्ट। ओके सर। सर आ रहे हैं। इधर आओ। थॉमस, सर तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वहाँ कुछ भी नहीं देखा? नहीं सर, मैं गाड़ी से उतरकर पेड़ हटाने के लिए गया था और तभी तो फिर... तुम्हारे कहने का मतलब है कातिल ने 3 मिनट में अपना काम कर दिया। फेयरवेल डिनर अटेंड करने के बाद और गाड़ी में ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से वो जरूर ज्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं पाए होंगे। इसीलिए सतार सर, थॉमस ये सारी बातें तुम मुझको पहले भी बता चुके हो। मुझे ये जानना है अभी तक तुमने जो बातें बताई उसके अलावा और कुछ बताने के लिए है? है सर। ए रास्ता छोड़ो, मुझे आपसे एक बात कहनी है। इस कठोर हत्या के पीछे राष्ट्र को डराने वाले आतंकवादी संगठन का हाथ है। जब मैं सर्विस में था ना सर, तब मैंने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम किया था ना सर। नाम क्या है? एंथनी, सच का सामना पत्रिका से। सच का सामना पत्रिका से नहीं, पत्रिका से। हाँ आपने सही कहा एंथनी। इस हत्या के पीछे राष्ट्र छोड़ो पूरे विश्व का हाथ नहीं है। हाँ। अगर ऐसा हुआ भी है तो उसको ढूंढ कर निकालेंगे। इस बीच में दखलंदाजी करके इस केस को भड़काने की कोशिश की तो जैसा कि तुमने सवाल किया है, जरा उधर तो देखो, सीआई अरविंद बहुत कठोर सर हैं। अगर इन्होंने मारना शुरू किया तो एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। नहीं सर, वो सब नहीं चाहिए, पर केस की डिटेल्स तो उसके लिए सही वक्त देखकर सही लोगों को बुलाकर जो सही होगा वो बताऊंगा। ठीक है? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो अभी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अरविंद सर, ड्राइवर को फिलहाल के लिए छोड़ दो। हाँ मैं जानता हूँ। और जो कोई भी शक के घेरे में है उसको कस्टडी में ले लो। फेयरवेल के वक्त सतीश साहब जिनके करीब थे, उनके दोस्त नातेदार जिनसे भी उनकी बात हुई, क्या बातें हुई, किस विषय में हुई, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके। जानते हो ना सतीश सर, हम सबके लिए केवल सीनियर ऑफिसर ही नहीं थे। सर मैं अपना बेस्ट दूंगा। जय हिंद सर। चोट तो नहीं लगी? नहीं। चलो अच्छी बात है। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बेटा। कोई बात नहीं, ये लो। अरे नहीं चाहिए। आप रख लो। नहीं, उस पर इल्जाम है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, यही बड़ी बात है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे मजबूर मत करो, बिना काम के किसी से पैसे नहीं लेती, इसलिए ये पैसे मैं तभी लूंगी अगर मैं कुछ काम करूंगी। हाथ देखकर भविष्य बता सकती हूँ। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। हाथ की रेखाएं देखकर भूत भविष्य की बातें करना ये सब अफवाहें हैं। ऐसी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, ये तो बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी। अरे इस तरह से मजाक मत उड़ाओ, हाथ की लकीरों में हमारी किस्मत होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, विद्वान लोगों ने गलत नहीं कहा है। हे दुर्गा, अरे आपकी जिंदगी तो उलझनों से भरी हुई है,
आपकी जिंदगी में तो बहुत सारी कठिनाइयां लिखी हुई हैं। बिना सोचे समझे तुम कोई कदम मत उठाना बेटा, तुम्हारा हर कदम कांटों से भरा है। अपना ख्याल रखना बेटा। यस सर, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त से रिटायर आईजी राघवन आपके बारे में पूछ रहे थे। राघवन सर? जी सर। क्या बात है? जी वो तो पता नहीं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मैंने उनकी आवाज से ऐसा महसूस किया है, वो डरे हुए थे। सर जितना जल्दी हो सके वहाँ जाकर आप देखिए। वो कह रहे थे कि इमरजेंसी है सर। अभी आप लोगों के सामने आईजी नवीन सर आ रहे हैं। वो केस की तह तक पहुंचने में और काम को अलग तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं और वो हम सबके प्रिय भी हैं। नमस्ते मेरे अपने साथियों। सर, राघवन सर, राघवन सर, मेरा राघवन मेरी बेटी है सर। तुम तो जानते हो ना, बीवी के गुजर जाने के बाद जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ वो इसके लिए है। अब तक मैंने उसकी किसी भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं रहने दिया, लेकिन अब सिद्धार्थ, नाउ शी इज माई प्रॉब्लम। आज सुबह से ही ये लापता है, शी इज मिसिंग। कुछ समय पहले एक अनजान शख्स ने मुझे फोन किया था। उसने क्या कहा था तुम्हें पता है? मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ जिंदगी सवार रही है। इस बात को मैं कैसे मान लूं? बस मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो किसके साथ गई है और कहां गई है ये सब तुम्हें पता करना है। उसके बारे में कुछ सुराग है क्या आपके पास? मैंने उसका रूम और सारा सामान चेक करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो हमेशा कहती थी मेरा कोई ऐसा राज है क्या जो पापा को नहीं पता। लेकिन इस केस को हैंडल करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। किसी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। सर आप शांत हो जाइए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं उसको ढूंढ कर यहाँ लाऊंगा, भरोसा रखिए। सतीश सर की हत्या के केस की तरह ही दूसरा केस भी इंपॉर्टेंट है, मीरा राघवन का केस। सर एनी इंफॉर्मेशन? नहीं सर, वो जहां कहीं भी जाते हैं वहां हमने छानबीन करके देख लिया। कुछ लोगों का कहना है कि दो लोग उस रास्ते से निकले थे, बस इतना ही सर। मीरा के कॉलेज में पता किया? हाँ किया, लेकिन कोई भी मीरा के अफेयर के बारे में नहीं जानता है। वो हमेशा पढ़ाई और म्यूजिक में रहती थी, उसके फ्रेंड्स बस इतना ही जानते हैं। पता नहीं सर, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी, लेकिन अरविंद जो हर वक्त हिंदुस्तानी संगीत और किताबों में उलझी रहती थी वो मीरा राघवन, उसके ऊपर हम कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। ये मैंने सर से वादा किया है, वो मुझे हर हाल में निभाना है। कई लोगों की जिंदगी के बारे में वो हत्यारा जरूर जानता होगा। कल सुबह होने से पहले हम दिन के शुरुआत के लिए सुप्रभात कहते हैं, ऐसा कुछ सुराग मिल जाए तो बात बन जाए। मेरा दिल ऐसा कह रहा है यह होगा।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राघवन सर कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है, बाहर गए हैं मंदिर में। और तुम? मेरा नाम राहुल है, राहुल कृष्णा। सर के क्या लगते हो? कुछ नहीं लगता। सीताराम सर से मैं भी यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। आपसे एक बात कहनी थी सर। कल रात को मीरा मेरे ही साथ आई थी। मीरा अभी कहाँ है? हर रोज की तरह उस रोज भी हड़ताल चल रही थी। उस दिन मैंने मीरा को पहली बार देखा था। स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज जाने के चक्कर में हड़ताल के दिन भी वो घर से बाहर आ गई थी। उस दिन मैंने पहली बार मीरा को देखा। तो फिर ठीक है, मैंने जो कहा तुम वो समझ गए। आज हड़ताल है ये तो तुम जानते ही हो। आज के दिन अगर कोई लिफ्ट मांगता है तो खासकर मेरी जैसी लड़कियों को तो लिफ्ट देनी चाहिए। तुम कोई ब्रिटनी स्पीयर्स हो क्या? ए, रिटायर्ड आईजी राघवन की बेटी को आज तक किसी ने छेड़ने की हिम्मत नहीं की है। टच करना तो दूर की बात। हाँ वैसे आज हड़ताल है और मुझे कॉलेज जाना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। ठीक है ना? जल्दी चलो, 9:30 की क्लास है। चलो नीचे उतरो। क्या? मैंने कहा ना नीचे उतरो। रिटायर आईजी की बेटी हो तो अपने पैरों से चल के जाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे रुको प्लीज, स्टॉप। मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। स्टॉप, ए। अगर तुमने सॉरी दिल से बोला है तो आके बैठ जाओ। 9:30 की क्लास है ना? अगर मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी तो तुम्हारी क्लास छूट जाएगी। यस, थैंक यू। रुको रुको। ओके। अगर तुम मुझे वहां तक बाइक से छोड़ोगे तो लड़कियां बातें बनाएंगी। क्यों खामखा उनको बोलने का मौका देना है? राहुल, थैंक्स। इट्स ओके। थैंक्स लिफ्ट देने के लिए नहीं बोला है। तो फिर बाइक चलाते वक्त बीच बीच में ब्रेक लगाकर चांस मारने की कोशिश नहीं की इसलिए। तुम संस्कारी हो और ऐसे ही लड़कों को लड़कियां पसंद करती हैं। बाय। उस मुलाकात को प्यार में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मीरा के बगैर एक पल भी जीना मेरे लिए मुश्किल था, ये मुझे महसूस होने लगा। कब से तुम ऐसे ही चुप बैठे हो? अगर कुछ कहना है तो खुलकर बताओ, तभी तुम्हें समझ पाऊंगी ना। मैं हमारे रिश्ते के बारे में उससे कुछ कहना चाहता था। मैं एक अनाथ लड़का हूँ और मीरा एक रिटायर आईजी की इकलौती बेटी। हमारे प्यार को उसके पिताजी कभी मंजूरी नहीं देंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था। और अगर कहीं वो हमारे प्यार के बीच में आ गए तो मुझे मीरा को भूलना होगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसके पिताजी ने एतराज किया तो
क्या मीरा फिर भी मेरे साथ चलने को तैयार होगी, यही मैं उससे पूछना चाहता था। आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों जुदा नहीं होंगे। मैं सबके सामने कहूंगी तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल, आ गई तुम। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। कम ऑन, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। कहाँ? जिंदगी के सफर पे। हम दोनों शादी करने वाले हैं, आई मीन कोर्ट मैरिज। कौन है? मैं राहुल कृष्णा, यहाँ मैंने रूम बुक किया था ना। ओ हाँ, अंदर आओ। कम आइसक्रीम खाओ। अगर वो वापस नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा, है ना? वो लड़का इतना अच्छा नहीं है, दुनिया में उससे भी अच्छे लड़के हैं, तुम्हें मिल सकते हैं। इसका फैसला मैं करूंगी। समझ गया। कभी कभी इस तरह की गलती सुधारने के लिए लोग गलत ही बताते हैं, तभी गलती का एहसास होता है। संभलने के लिए कल सुबह तक का वक्त है, चाहो तो संभल जाओ। अब तक राहुल तुम इधर आओ। ये देखो। ये क्या है? पिल्स, स्लीपिंग पिल्स। ये सब किस लिए? हम दोनों के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। इसको लेने के बाद बुड्ढा सो जाएगा, उसके बाद उसकी आंख कल सुबह ही खुलेगी। इसकी जरूरत? दे बोलो। अगर कोई मुसीबत हो गई ऐसा तो? कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम आराम से वापस आ गए क्या? हां, जरा इधर आओ। हां, मैं तो बस एक स्टडी कॉल करने गया था, अभी आया हूं। क्या हुआ अंकल? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जो बातें दिल के अंदर हो उसे कह देना ही अच्छा होता है, समझ गए ना? क्या बात है? अरे, तुम्हें बीबी बनाने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या? तुम्हारी बीबी बनने के लायक नहीं है मेरा। माइंड योर वर्ड्स। अरे गुस्सा मत करो, गलती सुधारने के लिए अभी वक्त है, सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। क्या हुआ? क्या बात है राहुल? इन्होंने क्या कहा? नहीं, वो पूछ रहे थे कि रात को खाने में चपाती चाहिए या चावल। तुमने क्या कहा? चपाती चलेगी। बस इतना ही क्या? अरे सेहत के लिए चावल अच्छा होता है, बोलने से नहीं पता चलता है क्या? चलो। अंकल, मैं कुछ मदद करूं? नहीं, रहने दो। हाँ अंकल, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे आपके पीछे राज क्या है? कुछ राज की बातें राजी हो तो अच्छा है। नहीं, मुझे बस जानने की उत्सुकता हो रही थी और कुछ नहीं। तुम ना ही जानो तो बेहतर है। ठीक है। अंकल, ये पपीता ले लेता हूँ मैं। सोने से पहले पपीते का जूस बहुत अच्छा होता है। अरे फ्रस्ट्रेटेड बुढ़ू, इसे पीने के बाद तुम आराम से सो जाओगे। अंकल? नहीं चाहिए। अंकल, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, कितने प्यार से मैंने आपके लिए बनाया था इसे, और आप इसे पीने से मना कर रहे हैं। पीजिए ना प्लीज। अच्छा है ना अंकल? अब
अंकल क्या हुआ? अंकल अंकल क्या हो गया अंकल? चलिए चलिए अंकल, आराम से। थैंक गॉड, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अपने पैरों को लंबा करके आराम से सो जाइए। टाटा। मैजिक ऑफ पपाया। माय डियर मीरा, मीरा मीरा, अरे बुढ़ऊ सो गए। मीरा, हे, मीरा, मीरा, ओ तो मैडम नहा रही हैं। मीरा बुढ़ऊ सो गए, स्लीपिंग पिल्स विद पपाया। हेलो, नहा चुकी हूँ तो बाहर आ जाओ ना यार, या फिर ये चाहती हो कि मैं अंदर आऊं? हाँ? बोल नहीं रही हो, इसका मतलब मैं अंदर आ जाऊं? मीरा, कहाँ चली गई है? मीरा, मीरा, स्लीपिंग पिल्स विद पपाया, बुड्ढा लुढ़क गया, यही लगा था। मेरी मीरा कहाँ है? तेरी मीरा, तेरी मीरा, तुम उसे अपनी मीरा कह रहे हो? रिटायर आईजी की बेटी तुम्हारी मीरा कब से बन गई? हाँ, अब वो मेरी मीरा है, वो मेरी कस्टडी में रहने वाली मेरी मीरा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बताओ मेरी मीरा कहाँ है? शंकर नारायण के सामने ये होशियारी नहीं चलेगी। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तभी मीरा मिलेगी। नहीं तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तेरी चलाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। राघवन जैसे बाप को धोखा देकर आई है मीरा, वो मेरे हाथों ही मरेगी। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, बताइए मुझे क्या करना है, बताइए। खत्म करना है। रुक्मणी नाम की औरत को तुम्हें जान से मारना होगा। तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे मारना होगा, क्योंकि उस औरत ने मुझे धोखा दिया था। मेरी सारी कमाई लूटने के बाद मुझे बर्बाद करने वाली मेरी बीबी है। रुक्मणी की जान लो या मीरा की जान दो, किसको जिंदा रहना है इसका फैसला तुम करो। नहीं, मुझे मेरी मीरा चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा फैसला है। ये मेरी बीबी रुक्मणी का पता है, डाउरी पार्क हाउस नंबर 9, बाकी इसमें पढ़ लेना। बाहर जाने के बाद तुम्हारे दिमाग में कई रास्ते दिखाई देंगे, उन रास्तों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अगर ध्यान दिया तो समझ लेना मीरा मेरी कस्टडी में है। शंकर नारायण ने रुक्मणी देवी को मारने के लिए मुझे भेजा, लेकिन मुझमें किसी को भी मारने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरी मीरा सब मेरी वजह से हुआ है, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके हल निकालने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये सारी बातें आईजी सर को बता दूं, और मैंने उन्हें सब बता दिया। मेरी बातें सुनकर वो मंदिर में मन्नत मांगने गए हैं। इन सब में अब भगवान क्या कर सकता है सर, हमें मीरा को बचाना होगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर, नहीं तो वो मीरा को मार डालेगा। कौन हो, क्या चाहिए? कमरा चाहिए। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। मैं यहाँ रुकने के लिए आया हूँ और रुक कर ही जाऊंगा, मुझे बस वो कमरा चाहिए। माफ कीजिए सर, उस कमरे में आदमी है। चलो चाबी निकालो।
मुझे कुछ मत करिए सर, मैं चाबी देता हूं। तुमने इस बेचारी को मार डाला? नहीं सर, मैंने इसको नहीं मारा सर। मैं सब कुछ पता करके ही यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो राहुल ने मुझे बता दिया है। नहीं, उसने आपको सच नहीं बताया होगा सर, उसने आपसे झूठ बोला होगा, सरासर झूठ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर, सच क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। जीने के लिए जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब मैंने इस गेस्ट हाउस को बनाने का फैसला किया था। यहाँ पर अक्सर जितने भी टूरिस्ट आते हैं मौज मस्ती के लिए आते हैं, वो एक दिन रहकर चले जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों आए थे तब इनमें ऐसी कोई चीज नहीं थी। उस लड़के को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं या फिर अपने दिल की इच्छा को पूरी करने के लिए आते हैं? थैंक्स। वो रूम है, चलो। तुमने एक ही रूम बुक किया क्या? हाँ, काफी नहीं है क्या? नहीं, हम साथ में एक रूम में तब रहेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। तब तक तुम अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। ओके अंकल। मुझे दूसरा रूम चाहिए। हाँ देता हूँ ना, ये लो तुम्हारा वो कमरा है, ठीक है? थैंक यू अंकल, बाय। आपने उसे चाबी क्यों दी? मैंने उसे कुछ प्लान करके यहाँ बुलाया था ना, सारा खेल बिगाड़ दिया आपने। सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी। अंकल, मैं और मीरा दिखने में कैसे लगते हैं? पिछले जन्म में हमारा कोई बंधन जरूर होगा। शह, वैसे दिखने में तो वो मेरे लायक नहीं है, अगर मैं थोड़ी कोशिश और कर लूँ ना तो मैं उससे अच्छी लड़की आराम से पटा सकता हूँ। आप क्या कहते हैं? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर शादी के नाम पर उसको इतना दूर क्यों लेकर आए हो? इसके पीछे एक वजह है अंकल, जो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे बीच ऐसी कोई रुकावट नहीं है। मैं जानता हूँ, कोई भी फैसला लेने के लिए कल सुबह तक का समय है ना? कल सुबह तक का समय है। थैंक यू। हाँ मीरा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, कितने समय से एक दूसरे को जानते हो तुम लोग? सिर्फ 2 महीने की मुलाकात है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? वैसे अंकल, हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये बात किसी को मत बताइएगा। अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये राज में राज ही रखना चाहता हूँ, विश्वास कर अपने अंकल पर। अंकल, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, कल शादी की टेंशन है। शायद मेरी मत मारी हुई है, इसीलिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ। कोई मदद चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अंकल, ये पपीता ले जाऊं क्या?
रात में सोने से पहले पपीते का जूस पीना चाहिए। मुझे उसके बर्ताव से उस पर शक होने लगा था। पपीते के जूस में मुझे सुलाने के लिए नींद की गोलियां मिला रहा था वो, और फिर मैंने भी उसका प्लान पता करने के लिए ठान लिया था कि आखिर ये सब वो किस लिए कर रहा है। ये लीजिए अंकल। शक्कर बहुत कम है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, वो चाहे जूस हो या फिर जिंदगी, मीठा होना जरूरी है। हाँ। ये लो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ। यस। बाय, गुड नाइट अंकल। तड़दम पम तड़दम पम। हाय मीरा। बुढ़ा सो गया पता है, अरे कितना परेशान करता है यार वो। और पता है क्या कह रहा था, मेरी तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती है। तो फिर तुमने क्या कहा? सही तो कह रहा था वो, मैंने उससे कह दिया तुम मेरे लायक नहीं हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? आज की रात हम एक जश्न की तरह मनाएंगे और कल सुबह हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं कहा था। ये शादी वादी की झंझट मैं नहीं पालता। जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उसके लिए मैं एक रात का पति बन जाता, और हम दोनों के बीच भी यही रिश्ता होना चाहिए। कमॉन कमॉन डार्लिंग कमॉन। मुझे अगर मेरे हाथों मरना नहीं चाहता है तो चला जाए यहाँ से। जाओ मोहन, निकल जाओ। राहुल राहुल बच्ची के साथ ऐसा मत करो। दरवाजा खोलो राहुल, दरवाजा खोलो, खोलो खोलो राहुल, राहुल। राहुल, ये तुमने क्या किया? क्या? सुबह होने से पहले इसे कुएं में ले जाके फेंक देते हैं। और सुन, अगर इस बारे में तूने पुलिस को बताया ना तो मैं एक खून और करने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। अगर उसका सामना करने के लिए मेरे साथ अगर कोई होता तो आज वो लड़की जिंदा होती। आखिर मैं अकेला क्या कर सकता था? तुम्हारी बनावटी बातों को सुनकर मैं भावुक होकर यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ। अमन ग्लोबल स्ट्रीट में जो औरत रहती है रुक्मणी देवी, वो तुम्हारी बीवी है। तुम उसको मारने के लिए राहुल कृष्ण को मजबूर कर रहे थे। उसने तुम्हारी बात मानने से इनकार किया तो तुमने मीरा को मार दिया, इसलिए मीरा की हत्या में केवल तुम्हारा हाथ है। बीवी और मेरी, लेकिन मैंने अभी तक तो शादी ही नहीं की, फिर भला क्यों मैं उसको मारने के लिए किसी को मजबूर करूंगा? सर, किसी को भी मारने के लिए 1,000 रुपये काफी हैं। कोई भी ये काम आसानी से कर देगा सर। आप उसकी बातों में आकर उसे बचा रहे हो सर। अरविंद, इसे एड्रेस ले लो सर, और जाकर छानबीन करो कि रुक्मणी नाम की औरत उस पते पर रहती भी है कि नहीं। सर, जल्दी जाओ, क्विक। अरविंद बोल रहा हूँ। यस अरविंद,
पता चला? सर, अमन गोयल स्ट्रीट में मैंने छानबीन की, रुक्मणी नाम का जो एड्रेस है वो गलत है, एकदम फेक है सर, हमें कोई उलझा रहा है सर। ओके। सर सर सर, वो मानसिक रोगी है, उसने मीरा को मारा है सर, वो किसी भी स्थिति में बचना नहीं चाहिए सर। राहुल, राघवन सर, राघवन सर, इंप्रेशन मीडिया में फर्स्ट रैंक लाने वाला वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। इतने दिनों तक वो यहीं पर था, जहां कोई किसी को सहारा नहीं देता, यहां उसे प्यार और सहारा दोनों मिला। फिर इसका दिल इतना कठोर कैसे हुआ कि वो किसी की जान ही ले लेगा? अगर आज की बात करें तो आशिक को उसका प्यार ना मिलने पर इस तरह के बहुत से हादसे होते हैं सर, लेकिन इस केस में मीरा और राहुल एक दूसरे से प्यार करते थे, और इतना ही नहीं, दोनों अपनी मर्जी से गेस्ट हाउस में गए थे सर। वही तो, शंकर नारायण के मुताबिक राहुल मीरा को ना पसंद करता था और ना प्यार। उसने ये सोचा होगा कि कोर्ट मैरिज करके पूरी जिंदगी उसके साथ रहना होगा, और ये भी सोचा होगा कि मीरा से अच्छी लड़की भी उसे मिल सकती है। इस तरीके की बात सोचकर वो बुरी तरीके से परेशान हो गया होगा। फिर उसने रास्ता चुना मीरा की हत्या करने का, और यही सोचकर उसने मीरा को मारा होगा। मीरा के इस केस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखने तो उसे राघवन सर को मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी घर के अंदर घुसकर। जैसा कि शंकर नारायण ने बताया था कि वो मानसिक रोगी है, शायद यही वजह हो सकती है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हत्या और उसकी जगह दोनों आपस में, मेरे हिसाब से आपस में मिल नहीं खा रहे। दोनों हत्याओं के पीछे तीसरी कोई मजबूत वजह है। वो क्या वजह हो सकती है सर? वही तो हमें तलाश करना है। इसके लिए ये हमारे हाथ लगना चाहिए। मीरा जिसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वो वैशी कातिल राहुल कृष्ण, द मोस्ट वांटेड। मैंने जैसा कहा था वैसा ही हाँ। करना, ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ। लो। अरे, लेकिन तुम तो इन पर विश्वास नहीं करते, आज क्या हो गया? एक मुसीबत है, मुझे लग रहा है। अच्छा बताओ, मेरे हाथ की रेखाएं भविष्य के बारे में क्या कहती हैं? हे भगवान, अच्छा देखती हूँ। तुम पर सवाल उठ रहे हैं, रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, मौत से भी सामना हो सकता है। मौत से सामना? मुसीबत में हो। हाँ, वो कहीं से भी आ सकती है, संभल कर रहना बेटा। सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा बेटा, अगर प्रायश्चित करोगे तो इसका हल निकल सकता है। नहीं चाहिए, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, कल भी और आज भी। किसी भी मुसीबत से बच के निकलने के लिए हमारा शरीर ही काफी है, शरीर ही सामना करेगा और हल भी निकालेगा। मैं प्रार्थना करूंगी, इतना ही कर सकती हूँ मैं।
कौन हो? किससे मिलना है? मुझे अर्जेंटली एसपी साहब। हाँ हेलो जी, गेस्ट हाउस ही है। नहीं, इस हादसे के बारे में मीडिया को कोई न्यूज़ नहीं देना, ऐसा बड़े साहब ने कहा है। नहीं, ऐसा करने से मुसीबत बढ़ सकती है। अगर आपको इस केस के बारे में डिटेल चाहिए तो सिद्धार्थ सर से बात करो। मुझे एक बार मिलने दीजिए। सर अंदर बिजी, आपसे नहीं मिल सकते। कांस्टेबल कौन है ये? पता नहीं सर, कौन है ये? क्या चाहिए? आई एम सोफिया, सोफिया हसन। क्या हुआ? मुझे इस केस के बारे में बात करनी है। परमिशन क्या है? नहीं है। बिना परमिशन के आप एसपी सर से नहीं मिल सकती हो। अभी जाओ, बाद में आना। मुझे उनसे मिलना है बस, मैं और कुछ नहीं जानती। अरे एक बार बोल रहा तो समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? सर ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। आने दो। ओके सर। क्या बात है सोफिया, परेशान क्यों हो? राहुल कृष्णा ने कोई गलती नहीं की है सर, वो किसी का खून नहीं कर सकता। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अच्छा तो इसी वजह से उसने कल रात को सर को जान से मारने की कोशिश की थी? इतना ही नहीं, उसने सारा गुनाह भी कबूल कर लिया है। कबूल कर लिया? हाँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है सर। राहुल को बचा लीजिए सर, वो बेगुनाह है। सर आपने जैसा कहा था, राहुल जिस कॉलेज में पढ़ता था मैंने वहां पूछताछ कर लिया है। सोफिया हसन ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही लगता है, और कोई भी इस बात को नहीं मानता है कि राहुल कृष्णा एक किलर है।
सोफिया हसन के मुताबिक इस केस में कुछ तो गड़बड़ है सर। राहुल कृष्ण ने जो कहानी बताई है और शंकर नारायण ने जो बताई है, उन दोनों कहानियों में रियल कौन सी है और कौन सी फेक है, इस बात का पता लगाना ही मेरा काम है। सर मुजरिम मिला क्या? मैं कुछ नहीं जानता सर। इस केस के सारा डिटेल अपने आजी वर्गीस सर को बताने से पहले आप यहाँ आ रहे हो, ये बात उनको पता चल गया सर। आखिरकार तुम आ ही गए एंथोनी। कोनी का किसी भी नेता से ताल्लुक नहीं है। सर आप अभी तक उस बात से नाराज हो? मैं तो बस यूं ही मजाक में। मजाक में नहीं, जानबूझ के किया। इस केस को उलझाने के लिए कुछ तो जाल बिछा कर रखा है। राहुल कृष्ण ने जो मर्डर किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ, ये बात ऑफिस वाले ही जानते हैं। उस केस के बारे में ही जाने के लिए आए हो ना? बहुत दिलचस्पी ले रहे हो उस केस में तुम एंथोनी। सर सर बात यह है कि जानता हूँ इंटेलिजेंस आईजी वर्गीस के जानने से पहले मैं जो बताने वाला हूँ उस कहानी में तुम तो एक बहरूपिया हो एंथोनी। कल रात जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था उसके पीछे कौन हो सकता है ये तुम जानते हो एंथोनी? जानता हूँ सर। फिर भी मुझसे बात छुपाई, ऐसा क्यों एंथोनी? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मानसिकता को अच्छी तरीके से समझता हूँ। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो यही करता। तुम जा सकते हो, इस केस की सारी डिटेल मैं तुम्हें बुलाकर बताऊंगा, जाओ। चलता हूँ सर। मॉर्निंग सर। तुम ये सब अच्छा कर लेते हो, इस जगह के अलावा कोई और जगह पसंद नहीं आई? कितनी धूल है यहाँ पर। माफ कीजिएगा सर, राघवन और मीरा को कैसे मारा गया है इस केस में बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला है ये घर। इस बात की इम्पोर्टेंस को समझकर ही मैंने आपको यहाँ पर बुलाने का कष्ट किया है, प्लीज। ओके ओके। राहुल कृष्ण, ये कहानी इसी ने शुरू की थी। अनाथ आश्रम में रहने वाले इस राहुल की जिंदगी में आखिर क्या हुआ था वो सब इसमें लिखा है। तुम आओगे या नहीं मुझे शक हो रहा था। जब अपना खून बुलाए तो आने से मना नहीं कर सकते ना, है ना? आ जाओ। इस बूट को पहचानते हो? तुम्हारे बाप का था। उसके होने के बावजूद तुम्हें सालों तक एक अनाथ की तरह जीना पड़ा। तुम्हारे उन्हीं सवालों का जवाब है ये। तुम्हें उनके बारे में सब कुछ जानना होगा, तुम्हारे और तुम्हारे बाप के बीच में ऐसा क्या हुआ था। कोई है क्या घर में? पत्रकार कहाँ है? क्या बात है, किससे मिलना है? ये अखबार का ऑफिस है, यहाँ तक पहुँचने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अखबार का ऑफिस है ये पता करके ही हम यहाँ हैं। अरे तुम और तुम्हारी पत्रिका, कहाँ है पत्रकार? बोलता क्यों नहीं?
ए, उसे कुछ मत करो, इस ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है, वो भी कहना है मुझसे बात करो। जो औरतें बागान में काम करती हैं, सरकार उनको बचाना चाहती है, यही ना? सही कहा ना मैंने? हाँ वही, जो बागान में काम करती है उनको बचाने के लिए और तुम लोगों का रवैया बदलने के लिए कोई तो हल निकालना होगा, तभी हमारा आंदोलन ये रुकेगा, समझे? आंदोलन? सुन लो पत्रकार, दोबारा आने का मौका मत देना, अगर मैं आया तो बहुत कठोर कार्रवाई होगी, याद रखना, तुम और तुम्हारी ये पत्रिका सब खत्म हो जाएंगे, मेरी बात याद रखना। जिसको कोई मिटा सकता है उसको कहते हैं अक्षर, उस अक्षर को हथियार बनाकर हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत है मुझ में, ये बात जाकर उसको बताओ जिसने तुमको भेजा है। तुम बहुत पछताओगे। लिखना शुरू करो। जो औरत बगान में काम करती है उनकी गिनती धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे पुलिस का हाथ है। यानी कि दीदी रसोई में काम कर रही हैं, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, इसलिए जो भी कोई औरत बगान में काम करती है उनकी हिफाजत के लिए कोई हल निकालने और बचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मैं आज इधर से जाऊंगी, तुम्हें अकेले जाने में डर तो नहीं लगेगा ना? कैसा डर? तुम एक पत्रकार की बेटी हो इसलिए तुम्हें कभी डर नहीं लगता है। अरे मैंने ऐसा कब कहा। टाटा। टाटा। चल। छोड़ो। अरे गायत्री छोड़ो, छोड़ो उसे। अरे अरे ऐसा मत करो। आप बहुत लिखता है ना? चल। अरे छोड़ो। प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। छोड़ो। गायत्री। छोड़ दो ये सब, हमें ये सब क्यों करना है पता नहीं अब क्या होगा। हे भगवान, पता नहीं हम पर क्या मुसीबत आने वाली है। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया है। हमारे खिलाफ जनता को भड़काने का ये एक षड्यंत्र है, अगर हमने जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम पर मुसीबत आएगी। जानते हो ना, ये सब पेड़ काटने वाले हैं, ये सारे लोग कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ भी नहीं सोचने वाले हैं। उन्हें हम फांसी पर लटका देंगे, अगर उसकी बात सुनकर वो पुलिस स्टेशन आए ना तो वहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा, चाहे कोई हो। सही कहा ना थॉमस? पत्ती से बनी चाय में अगर थोड़ा सा रम मिलाकर और साथ में जवान लड़की, पहाड़ियों के ठंडा मौसम, क्या मस्त कॉम्बिनेशन होगा। करेक्ट। तुमने सही कहा। तुम बिंदास रहो, इस केस को हम सुलझा लेंगे। अरे पैसों से वो पत्रकार नहीं बिकने वाला, अगर उसे रास्ते से हटाना है तो ये सीधा उसकी कनपट्टी पे रख के धमकी देना, ठाए सारा खेल खत्म। आज ही जाकर खत्म कर देते हैं, अभी नहीं। हर काम के लिए एक सही समय होता है राघवन जी, उस पत्रकार का समय भगवान को तय करने दो। आकाशवाणी के मुख्य समाचार। हम सभी राष्ट्र के लोगों को हर तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच जो शांति प्रस्ताव रखा गया था, इस तनाव के चलते उसे रद्द कर दिया गया है।
दोनों देशों के बीच युद्ध होने की संभावना है, ऐसा देश के बड़े बड़े नेताओं का कहना है। राष्ट्रपति द्वारा लिखित किताब में धारा 352 को समझाया गया है। उसके बारे में अपोजिशन पार्टी का कहना है कि इस कानूनी धारा में कोई कमी है और इस विवाद को लेते हुए देश के बड़े बड़े नेताओं के बीच इस मुद्दे पर बहस जारी है। अब देखना यह है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है या नहीं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, हमारे खिलाफ छापोगे? अरे चलो, ये क्या कर रहे हैं? अरे चलो निकलो यहाँ से। अरे मार क्यों रहे हैं? इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। देखो ये क्या नहीं कर रहे हैं? अरे छोड़ दिया, छोड़ दो थॉमस सर। सर मार मार कर इन सब की हड्डी पसली तोड़ दो। तो तू हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी? क्या नाम है तेरा? छोड़ो, छोड़ दो उसे। वैसे भी जवान लड़कियों के नाम में आखिर क्या रखा है? जिसमें रखा है वो जबान बंद रखेगी तो काम आसानी से हो जाएगा। अपनी जबान को बंद रखो, हमारा काम होने दो। सतीश इस लड़की को ले चलो। चले, छोड़ दो उसे। राघवन सबको खत्म करके आ जाओ। बचाओ! अरे चल, चल, अरे चल, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, चल। मेरा साथी इस केस की पूछताछ करने के लिए आएगा। अगर उस दिन तुमने गवाही दी तो अरे बोल जरा, गवाही देगी क्या? दूंगी, मैं गवाही दूंगी। मैं तुम तीनों के खिलाफ गवाही दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत? मेरे पापा को कुछ मत करो। तुम्हारे पिताजी को वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम कोर्ट में जाओगी तो हमारे खिलाफ गवाही नहीं दोगी, नहीं दोगी ना? ये गधा कभी सुधरने वाला नहीं। पिताजी, पिताजी। काबका हमारे बारे में उल्टा सीधा छाप कर हमारे गुस्से का शिकार हो गए, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मत, पुलिस के ताकत में गवाही देगा, गवाही देगा। हमारे बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा, हाँ हाँ यही हाल होगा। हमारे बीच में जो आएगा उसका यही हाल होगा, हाँ हाँ यही हाल होगा। मजा हमको आएगा, यही हाल होगा। अरे रास्ता छोड़ो, हम लोग अपना काम करेंगे, कोई कुछ न कर पाएगा। हाँ 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 हाँ, हम लोग अपना काम करेंगे, बहुत मजा हमें आएगा। थॉमस सर, उसकी सांस अभी तक चल रही है। ओहो मर जाएगी, उठाकर कहीं फेंक देते हैं, शक्कर डालकर जला देते हैं, कोई सुराग नहीं बचेगा। कोमल के साथ भी हमने यही किया था ना, तुम्हें याद है ना? जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी जिंदगी बुरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ की उम्मीद की थी, मेरी बेटी को जलाकर उन लोगों ने राख कर दिया। बीबी को डरा धमका कर उसको पागल बना दिया। मुझे मेरे देश को छोड़कर जाने की धमकी भी दी थी। उन तीनों पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ साजिश करके केस बना दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वो लोग कोर्ट से बच गए थे।
उन तीनों ने अपने जाल में फंसा दिया और मुझे फिर जेल जाना पड़ा। मुझसे मिलने के लिए जेल में एंथनी आया था। तब मैंने उसे एक ही बात कही थी कि जब मैं जेल से सजा काटकर बाहर आऊंगा तो जिसने हमारे साथ ये सब किया उनसे हम तीनों मिलकर बदला लेंगे। उस वक्त मदद के लिए तुम मेरे साथ रहना। एंथनी ने मुझसे वादा भी किया था। तुम्हारे हाथ में खत रखकर उसी ने तुम्हें उस अनाथ आश्रम में भेजा था। उन सबको मरना चाहिए। सतीश को मारने में हम कामयाब हो गए पर अब मरने की नवीन की बारी है। कौन है ये? ये नवीन की बेटी है। लात मारो इसे। इसके चेहरे पे लात मारो तुम। नवीन जिस बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, ये जो सर पे निशान देख रहे हो ना, यही निशान इसके चेहरे पर भी होना चाहिए। ये देखकर नवीन को चोट पहुंचेगी। मारो इसे। पिताजी, इसकी कोई गलती नहीं है। इसे सजा देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी दीदी ने कौन सी गलती की थी? मैंने अपनी बेटी की चीख जिन कानों से सुनी है उन्ही कानों से इस लड़की की चीख सुनना चाहता हूँ मैं। चीख सुनना चाहता हूँ मैं। लेकिन छोड़ो, चाहिए ऐसा मत करिए। उड़ो, उड़ो तुम, उड़ो, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जाओ। देख लिया, उसने जान बचाने की कोशिश की लेकिन अपनी ही गलती से अपनी जान गंवा बैठी। भविष्य के एक बुरे हादसे को बराबर करने के लिए मैंने नवीन से एक बात झूठ बोली थी। अब इसके बारे में सच बताना चाहिए क्या? इस खबर को उसको बताना चाहिए। जैसे ही इसकी खबर उसको मिलेगी वो हिल जाएगा। मैंने बदला लेने के लिए बहुत इंतजार किया। पिताजी, अब आईजी से बदला आप नहीं, मैं लूंगा। जैसा मैंने कहा था वो वैसा ही दिख रहा था। मीरा को वो अपने साथ लेकर गया था। राघवन के घर में वो गुड मॉर्निंग कहकर मेरा वेलकम कर रहा था। तब वो नहीं जानता था कि सच एक ना एक दिन सबके सामने आएगा ही। अगर मीरा राघवन की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो राघवन सर की मौत हर तरह से देखा जाए तो एक मर्डर है। हाँ सर, ये सब जिसने किया है वो है राहुल कृष्ण। लेकिन इस बारे में शंकर नारायण और राहुल कृष्णा दोनों ने जो कहानी बताई है वो वेल प्लान्ड है। किसी को शक भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। कल रात को जिसने मुझे डराने के लिए मुझ पर हमला करके भागने की कोशिश की थी वो पकड़ा गया। अरविंद, बताओ कैसे तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस कहानी को यकीन करने लायक बनाया है? राघवर और नवीन के घर से जैसे ही एसपी बाहर आए थे मेरे बेटे ने मुझे खबर कर दी थी। एसपी से बचने के लिए मैंने एक और कहानी तैयार की
ताकि मैं बच सकूं, लेकिन आप बहुत होशियार निकले मेरे बेटे ने। जो पहला हमला किया था उसके बाद मैंने जो हमला किया उसमें आप बच गए और मेरा प्लान फेल हो गया। इस केस को आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये मत समझना कि सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। मेरा बेटा अभी भी बाहर है, मेरा अपना खून वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप उस थॉमस की मौत को नहीं रोक सकते मिस्टर सिद्धार्थ, उसे मरना ही होगा। देखिए, मेरे और मेरे परिवार का सर्वनाश किया है उसने। मेरी बेटी को मार डाला, मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया, उसको मरना होगा। अगर आपके अंदर जमीर है तो उसकी मौत के बीच में मत आओ, मत आना, मत आना। कुछ भी हो जाए हमें उस थॉमस को बचाना ही होगा सिद्धार्थ। वो केवल मेरा सीनियर ही नहीं, मेरा फैमिली मेंबर भी है। सर, जिनकी मौत हुई है, अब्दुल, सतीश और राघवन सर, वो हमारे सीनियर थे सर। लेकिन अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाकर सरकारी वर्दी में रहकर जो भी गलत काम उन्होंने किया है उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो मेरा माइंड कहता है, अगर मैं पुलिस के नजरिए को छोड़कर आम आदमी के नजरिए से देखूं तो मेरे हिसाब से मीरा को छोड़कर बाकी सभी इस केस में सजा के हकदार हैं सर। आप जिसको बचाने की बात कर रहे हैं थॉमस सेबास्टियन, वो भी सजा का हकदार है सर। तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे भी कुछ फर्ज होते हैं सिद्धार्थ। राहुल कृष्णा को अरेस्ट करना होगा। इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स एन ऑर्डर। अरविंद, उसका घर और उसके आस पड़ोस में चेक करना चाहिए। परेशानी किसी भी रूप में आ सकती है, सिक्योरिटी टाइट करो और खुद फैसला लो। सर, खून होने की स्थिति में सर को इस जगह के अलावा और दूसरा कोई घर नहीं मिला क्या? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। वो सब छोड़ो, लेकिन हमें अपना काम करना है। हेलो सर, CI अरविंद, ही विल प्रोटेक्ट यू। प्रोटेक्शन? IG वर्गीस के सामने तुमने जो भी बोला है वो सब मैं जानता हूँ। मेरा मरना तय है, यही ना? मामूली मौत नहीं मरेगा ये थॉमस सेबेस्टियन। मैं अभी बहुत सालों तक जीऊंगा। जानते हो, जब मैं ड्यूटी पर था तब मेरे सर्विस में तेरे जैसे लोग मेरे सामने खड़े होते हुए भी कांपते थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े गुंडे भी। ना सुनने वाले को हम मिटा देते थे। बगान में एक ही नहीं, बहुत सारी आइटम्स थी इस थॉमस सेबेस्टियन के हाथों में। मैंने सुना है सर, उस लड़की के साथ आपने जो बार बार अत्याचार किया, इस वजह से आज आपकी हिफाजत के लिए हमको इस तरह से खड़ा रहना पड़ रहा है। एक कहावत है, जब मौत अपने इर्द गिर्द मंडरा रही हो तो उस समय अच्छी बातें सोचनी चाहिए। इससे कम से कम अगला जन्म तो सुख का मिलेगा। बस यही ख्याल रखें, यही बचा सकता है आपको। अरविंद, टेक गुड केयर। सर, Huh?
सिद्धार्थ, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की है सर। शंकर नारायण और राहुल कृष्ण आज से हमारी कस्टडी में हैं सर, इसलिए आप बच गए ऐसा मत सोचिएगा। आप जब ड्यूटी पर थे उस वक्त आपने जिन लोगों को तकलीफ दी उनमें से कईयों के बच्चे अभी जिंदा है, आपको पता होना चाहिए। ये याद रखना, कुछ मर गए हैं तो कुछ जीना चाहते हैं। आपने जिन लोगों को तकलीफ दी है उसके बदले में वो लोग या उनके वारिस मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। आप जैसे लोगों को मैं ही क्या, कोई भी माई का लाल या कोई भी सुरक्षा बचा नहीं सकती है। सतीश सर और राघवन सर के साथ जो हादसा हुआ वो अगर आपकी जिंदगी में ना हो उसके लिए प्रायश्चित करिए सर, प्रार्थना करिए। अरविंद जी सर, स्टॉप। क्या हुआ सर? उस पेपर को दो। हाँ।
हे दुर्गा। नहीं, अब कोई मुसीबत नहीं है। पर ये है। ये मेरी बदकिस्मती ही है जो ये लॉकेट वहां गिर गया था। अगर लॉकेट नहीं मिलता फिर भी मैं तुमको ढूंढते हुए यहाँ आ जाता। जब कभी भी कहीं भी कोई घटना घटती है तो कोई ना कोई सुराग मिलता ही है, ये प्रकृति का नियम है। उस दिन मैंने राहुल की आंखों में ऐसे ही प्रायश्चित के आंसू देखे थे, आज तुम्हारी आंखों में वही प्रायश्चित के आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक मैं एक माँ के दर्द को समझ सकता हूँ। हमारे देश में सबूत की कमी के चलते कई ऐसे केसों पर मिट्टी जम चुकी है। एडीजीपी थॉमस सेबास्टियन का केस भी उन्हीं में से एक था। जब ऐसा कानून चल रहा था तो कई लोग अत्याचार के शिकार हुए थे। अपनी इज्जत और जिंदगी को खोने वाले लोग उन औरतों के आंसुओं के सामने कुछ भी नहीं है।